एक अस्पताल की तस्वीरें शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है जिसे आरएसएस ने बनाया है। दावा है कि आरएसएस ने इंदौर में 6000 बेड का कोविड सेंटर लगवाए हैं। नीले टिकधारी, खुद को सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बताने वाले और मोदी सपोर्टर हर्षवर्धन मुप्पावरापू ने ऐसा दावा करते हुए एक इंफोग्राफिक शेयर किया। बीजेपी समर्थक अरुण पुद्दूर ने भी यही दावा किया है। बीजेपी दिल्ली के उपाध्यक्ष रंजन तिवारी ने ये तस्वीरें ट्वीट करते हुए आरएसएस को टैग किया और यही दावा किया। अब आते हैं इसकी सच्चाई पर। एएनआई की 22 अप्रैल 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में राज्य का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। 600 बेड के साथ सेंटर की शुरुआत की गई है, जिसे 6000 बेड तक बढ़ाया जाएगा। इंदौर के राधा स्वामी सत्संग भवन के ग्राउंड को मां अहिल्या कोविड केयर सेंटर में बदला गया है। ऐसी खबर न्यूज 18, एनडीटीवी और अमर उजाला ने भी दी है। किसी भी रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि अस्पताल आरएसएस ने बनाया है। न्यूज 18 की रिपोर्ट में लिखा है, सेंटर में सेवा के लिए आरएसएस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे, जो सेवा देंगे, मरीजों का ख्याल रखेंगे। मरीजों की सुरक्षा और मॉनिटरिंग के लिए पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ऑल्ट न्यूज ने मध्य प्रदेश की कोविड एडवाइजरी कमेटी के मेंबर डॉक्टर निशांत खरे से बात की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे को गलत बताया। उन्होंने कहा कि मां अहिल्या कोविड केयर सेंटर राधा स्वामी सत्संग व्यास परिवार में बना है। इसका मास्टर प्लान 6000 बेड का है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसका बेस प्रशासन की व्यवस्था है। जिला प्रशासन ने इसकी ओनरशिप ले रखी है। इसमें मेडिकल सुविधाएं देना और स्टाफ का अरेंजमेंट मध्य प्रदेश प्रशासन कर रहा है। राधा स्वामी सत्संग व्यास मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है। सभी लोगों का भोजन, पानी, दूध, चाय, काढ़ा, हर चीज का ध्यान राधा स्वामी सत्संग संस्थान ही रख रहा है। इसके अलावा बड़ी संख्या में सामाजिक सहयोग भी मिला है। निशान खरे के मुताबिक आरएसएस का इसमें इतना ही योगदान है कि उसके वॉलंटियर्स वहां आते हैं और योगदान देते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कुछ पोस्ट हमें ऐसे भी देखने को मिले जिसमें इस कोविड सेंटर की बताते हुए जो तस्वीर शेयर की गई थी वो असल में कतर के एक फुटबॉल स्टेडियम की तस्वीर है, जहां 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के मैच खेले जाने तय हुए हैं।